हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निशु की स्वीट किचन। मैं निशु फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं सूजी के समोसे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही में बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों हम अपने समोसे बनाना शुरू करते हैं। समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम चाहिए 1 कप मैदा। अब जिस कप से हमने मैदा नापी है उसका 1/3 हमें चाहिए सूजी। दोस्तों आपने मैदा के समोसे तो काफ़ी खाए होंगे लेकिन आज सूजी के समोसे खा के देखिए और अपने घर पे बना कर देखिए, आपको बहुत अच्छे लगेंगे ये समोसे भी। अब इसमें जाएगा 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ही डालें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर से हमारे समोसे बहुत खस्ता बनेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच देसी घी। आप देसी घी की जगह रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे सब चीज़ों को। ये देखिए मैंने इस सब चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें पानी डालकर एक डो बना लेंगे। जैसा कि हम पूड़ी के लिए बनाते हैं ठीक उसी तरीके से हम इसका डो बनाएंगे। इसका डो ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए दोस्तों, ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों मैंने अच्छे से इसे डो के रूप में बना लिया है। ये देखिए ये हल्का सा भी पतला है। जैसा कि आप सब जानते हैं सूजी थोड़ा पानी पीती है, इसलिए अभी हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे तो ये एकदम सही हो जाएगा। जिस तरीके का हमें डो चाहिए ठीक उसी तरीके का ये निकल कर आएगा फिर। तो चलिए इसे आप 15 से 20 मिनट के लिए हम रेस्ट पर रख देंगे। चलिए दोस्तों अब हम समोसे की फिलिंग बना लेते हैं। उसके लिए मैंने लिए 4 उबले हुए आलू। अब इनको अच्छे से फोड़ लेंगे, ज़्यादा बारीक बारीक ना फोड़ें इन्हें, बस हल्का हल्का जैसे आप समोसे में खाते हैं उस तरीके से आप इन्हें फोड़ लें। ये देखिए दोस्तों मैंने इनको हल्का हल्का मोटा फोड़ लिया है। इसे बिल्कुल ही पतला पतला ना कर लें दोस्तों, फिर ये खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हमें चाहिए 1 कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। अब हम इसको हल्का गर्म होने देंगे। देखिए दोस्तों हमारा रिफाइंड अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच जीरा, फ्लेवर के लिए 1/2 चम्मच में डाल रही हूँ इसमें हींग। अब हम जीरे को अच्छे से भुनने देंगे पहले। ये देखिए दोस्तों जीरा हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी मटर। मटर को भी अच्छे से हम भून लेंगे। हम गैस फ्लेम को दोस्तों मीडियम ही रखें अभी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब हमने जो आलू को उबाल के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। चलिए दोस्तों अब इसमें हम और मसाले ऐड कर लेते हैं सूखे वाले। गैस फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दें इस टाइम पे। अब इसमें जाएगा 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा 2 पिंच के करीब इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर। इसमें 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें। अब हम गैस फ्लेम को मीडियम फ्लेम पर करेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारे मसाले भी अच्छी तरीके से इसमें भुन चुके हैं। अब हम इस पर थोड़ा सा हम डालेंगे हरा धनिया और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसमें। तो चलिए अब ये हमारा मसाला रेडी है, हम इसे उतार लेते हैं और थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे इसे। देखिए दोस्तों हमारा मसाला जो है अच्छे से ठंडा हो चुका है। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस। आप नींबू रस की जगह 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटो केचप। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला दें इसमें। दोस्तों ये जब नींबू का रस और टमाटो केचप डालें तो जब हमारे आलू अच्छे से ठंडे हो जाएं तभी डालें। अगर हम गर्म में डाल देते हैं तो इनका फ्लेवर जो होता है एक खोस आ जाता है कहीं, फिर वो खाते समय आता नहीं है फ्लेवर इनका। ये देखिए मैंने अच्छे से मिला दिया है। अब ये बिल्कुल रेडी है हमारे समोसों के अंदर भरने के लिए। ये देखिए दोस्तों हमारा डो भी अच्छा टाइट हो गया है। जैसा कि मैंने बताया था अभी सूजी जो होती है पानी पीती है थोड़ा सा, तो अब ये बिल्कुल रेडी है समोसे बनाने के लिए। अभी मैं इसे थोड़ा सा मसल मसल कर चिकना कर लूँगी। ये देखिए मैंने इनको चिकना कर लिया है इसको डो को। अब हम इसकी 1 बराबर लोई काट लेंगे। जितने बड़े आपको समोसे बनाने हैं उतनी बड़ी लोई काटें। मैं यहाँ पे नैनो समोसे बना रही हूँ छोटे वाले। ये देखिए दोस्तों मेरी उसमें 8 लोई बनी है। अब इसके 8 के 16 समोसे बनेंगे, याद रखें इसमें आप उसी हिसाब से अपने समोसे बनाएं। तो चलिए अब इन्हें बेल लेते हैं। चलिए दोस्तों अब इसे 1 लोई लेके हम अच्छे से बेल लेंगे। ये देखिए दोस्तों मैंने अपनी पूड़ी जो है बेल ली है।
इसको जब भी बेलते समय ध्यान रखें दोस्तों, जब भी इसे बेलें तो इसे एक अंडा आकार में बेलें, इससे हमारे समोसों का शेप जो आएगा बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसको बीचों बीच में से कट कर लेंगे इस तरीके से, और इसको हम एक उठाएंगे। चलिए मैं एक पहले बता देती हूँ, मैं फिर बाद में सारे बेलूंगी। अब हमें दोस्तों इधर की तरफ से, जिधर हमने स्ट्रेट काटा था उधर की तरफ से हम पानी लगाएंगे, और इसको हम एक के ऊपर एक चढ़ाकर यहाँ से किनारे मिलाएं इस तरीके से, और इसको हम इधर से बंद कर देंगे और इसको अच्छे से चिपका दें ताकि तलते समय हमारे खुले ना। ये देखिए हमारा अच्छे से चिपक गया है। अब इसमें हम भरेंगे हमने जो आलू की फिलिंग बनाई थी वो, और इसको ओवर ना भर दे दोस्तों। अब हम इसको इधर पानी लगाएंगे, इसको आधा ही चिपकाएंगे, सिर्फ आधा चिपकाकर। अब ये जो हमारा आधा बचा है बाकी, इसको हम बैक साइड से इधर पानी लगाकर और इधर से हम इधर से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ध्यान से देख लें दोस्तों, ये देखिए इस तरीके से अब हम इसे चिपका देंगे। ये देखिए हमारा समोसा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसी तरीके से आप काट के बेल कर और काट कर अपने सारे समोसे तैयार कर लें, और इसको जॉइंट जो होते हैं इसके अच्छी तरीके से चिपका दें ताकि ये फटे ना। तो ये देखिए दोस्तों इस तरीके से हम सारे अपने समोसे बेल लेंगे। ये देखिए दोस्तों मैंने अपने सारे समोसे भर लिए हैं, इसमें मेरे 16 समोसे बने हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ही समोसे बनाएं, ये मिनी समोसे हैं। अब दोस्तों हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम करना है, इसको हम भरते के साथ एकदम ही ना तल दें, इसे हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही एक कपड़े से ढककर हम होल्ड पे रखेंगे ताकि जब हम इन्हें तलें तो खुले ना। दोस्तों अगर इन्हें आप अभी तल देंगे भरते के साथ ही हैंड टू हैंड, तो ये क्या होगा घी में जाकर फट जाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम इसे तल लेते हैं। तलने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है रिफाइंड ऑयल, तो अब हम इसे हल्का सा गर्म करेंगे, ज़्यादा तेज गर्म नहीं, मीडियम फ्लेम पर हम इसे हल्का गर्म करेंगे। ये देखिए दोस्तों तेल हमारा हल्का गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे धीरे धीरे अपने समोसे। अब हम इनको हल्का ब्राउन होने तक ऐसे ही तलेंगे, और फ्लेम को दोस्तों मीडियम ही रखेंगे इस समय। ये देखिए दोस्तों सूजी के समोसे में एक खास बात होती है, जब ये तलते हैं तो ये साइज में थोड़े बड़े हो जाते हैं, क्योंकि घी में जाकर सूजी फूलती है। तो देखिए साइज में कितने बड़े हो गए हैं। चलिए एक मिनट हो चुका है इन्हें, तो अब हम इन्हें पलट देते हैं, और अब इधर से भी हम मीडियम फ्लेम पर ही तलेंगे। अब हम ये देखिए दोस्तों ये अच्छे से ब्राउन कलर के हो चुके हैं। अब हम इन्हें इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, तो अब इन्हें निकाल कर इसी तरीके से अपने सारे समोसे तल लेंगे। ये देखिए ये लीजिए दोस्तों बनकर तैयार हो गए हैं हमारे झटपट से नैनो समोसे। ये बनाने में बहुत आसान थे, खाने में दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे आपको। तो आज ये समोसे की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।